बदरवास जनपद के ग्राम विनिका बारिश के बाद टापू में तब्दील हो गया है। गांव में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसी हालत में गांव के ग्रामीण की तबीयत खराब हो गई, जिस पर उसकी जिंदगी बचाने के लिए ग्रामीणों ने ट्यूब का स्ट्रेचर बनाकर उसे नदी पार कराई। इस दौरान मरीज उफनती नदी में बह ना जाए, इसके लिए उसे रस्सी से लिफ्ट किया गया। जानकारी के अनुसार ग्राम विनिका निवासी शंकर पाल की बुधवार को अचानक से ही तबीयत खराब हो गई, लेकिन लगातार बारिश के कारण गांव से होकर गुजरी इमलावती नदी उफान पर आ गई थी। इस कारण स्वजन उन्हें रात को अस्पताल नहीं ले जा सके। शंकर पाल का घरेलू उपायों से उपचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन सुबह होते होते उल्टी दस्त बहुत ज्यादा होने लगी। घरेलू उपायों से जब कोई फायदा नहीं हुआ तो शंकर पाल के घर वालों ने गांव के लोगों के सहयोग से उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए ट्यूब का स्ट्रेचर बनाया। गांव के कुछ युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सी लेकर उफनती नदी को तैर कर पार किया। इसके बाद रस्सी के सहारे ट्यूब को बांधकर उस पर मरीज को लिटाया गया और ट्यूब को लिफ्ट करके नदी के दूसरे किनारे ले जाया गया, तब कहीं जाकर शंकर पाल अस्पताल पहुंच सके। शंकर पाल को बदरवास स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि इमलावती नदी में जो पुल बनाया गया है उसकी ऊंचाई बेहद कम है, ऐसे में तेज बारिश होने पर उक्त पुल पानी में डूब जाता है। बताया जा रहा है कि गांव में आने जाने के लिए एकमात्र यही रास्ता है, ऐसे में नदी उफान पर होते ही गाँव का संपर्क अन्य क्षेत्रों से टूट जाता है। गांव वालों का कहना है कि वह पिछले कई सालों से प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं कि इस पुल को ऊंचा कराया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार बारिश के दिनों में ग्रामीणों का जीवन एक ही जगह पर थम कर रह जाता है।